खत्म, हम लोग का पुराना घर का सारा अस्तित्व ही खत्म हो गया बाहर से। और ये देखिए दोस्तों, हमारा मिट्टी भी गिरना शुरू हो चुका है। अब मजा आएगा ना दोस्तों? अरे बाप रे, हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह का वक्त है, 8 बज रहे हैं और अभी सुबह सुबह ये लोग गई थी कोचिंग पढ़ने, तभी कोचिंग से आ रही हैं। हर दिन की तरह आज भी काफी प्यारा मौसम है, एकदम गजब ठंड ठंड हवा चल रहा है। और जो मिट्टी गिराते हैं आज उनसे बात हुआ है तो बोले हैं कि आज मिट्टी गिर जाएगा, अगर आज मिट्टी गिर जाता है तो हम लोग का बाहर का जो हिस्सा है उसे हम लोग समतल कर लेंगे, तब दोस्तों हम लोग का जो बाहरी हिस्सा है वो बहुत ही प्यारा दिखने लगेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग को इसमें भी थोड़ा बहुत सुधार वगैरह कराना है, ये जो हमारा नल का दीवार वगैरह दिख रहा है ना, इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस लाना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था ना जब हम लोग का छत टूट रहा था तब एक बार दीवार टूटा था, और अभी कुछ देर पहले जब मिट्टी गिर रहा था तब भी ट्रैक्टर से टूटा था, दो बार वो दीवार टूट चुका है, वो दीवार अभी काम का नहीं है, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों खाना भी बन चुका है, आज खाने में है दाल भात और भिंडी की सब्जी, भिंडी दाल भात। तो दोस्तों खाना पीना कर चुके हैं और हम लोग दोस्तों जो न्यू का ईट निकाल लेते तो थोड़ा सा बचा था, तो इसको ढो ढाकर यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों सीधा वाला ईट तो खत्म हो गया, अब बस छोटा छोटा वाला ईट बचा जो आधा हम लोग बोलते हैं, अब आधा वाला ढो देते हैं। ऊपर लड़ जाएगा, जल्दी से इसको ढोकर खत्म कर देते हैं क्योंकि मिट्टी कभी भी गिर सकता है। एक बार बस मिट्टी गिर जाए और ये वाला हिस्सा हम लोग का बराबर हो जाए फिर तो दिखने में भी हमारा घर अच्छा लगने लगेगा। हाँ अमुत्तर नहीं अमरूद, हाँ उसी से अमरूद बेच रहा था मैं। जब हम लोग का ये वाला अमरूद फल जाता है ना तो हम बेचने जाते थे, वही कीर्ति बोल रही है कि मामा इसी तराजू से बेचने जाते थे ना अमरूद, बहुत बेचे हैं ये वाला अमरूद, डेली 200-300 रुपया कमा लेते थे। लड़ जाएगा उठा बाला। हम लोग के बाहर का जितना भी ईट वगैरह था, हम लोग का पुराना घर का सारा अस्तित्व ही खत्म हो गया बाहर से, हम लोग का पुराना घर का अस्तित्व ही नहीं रहा, ये सब ईट जो कुछ भी बचा था सब हम लोग ढो लिए हैं। अब बाहर ये मिट्टी गिराने की तो भाई हम लोग के बस में है नहीं, हम लोगों ने बोल दिया है, वैसे तो कल या परसों गिराने वाले थे लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं था, तो आज बोले गिराने के लिए, अगर आज गिर जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 2-3 ट्राली ईट गिराना है, सॉरी मिट्टी गिराना है, इसमें भी भरना है, तो देखते हैं शाम तक गिरता है कि नहीं। और हमारे घर के पीछे एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है जिसमें देखो अमरूद फलना भी शुरू हो गया है, छोटा छोटा देखो दिखने लगा। और घर के पीछे एक नींबू का भी पेड़ है, काफी ज्यादा सूख गया है तो दीदी भी गई है पानी लाने, क्योंकि इसमें पानी नहीं डालेंगे तो सूखने लगेगा। अरे राम हो भगवान कसम बहुत तेज गड़ गया सही में, तो जब नींबू का पेड़ पे काटे अरे हम ध्यान नहीं दिए, इधर कहीं काटा होगा, रुको तो ये मेरे हाथ में गड़ गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर, हट जा हट जा हट जा, मम्मी तेरी पानी ले आई, बहुत तेज गड़ गया। हाँ वही तो बहुत भयंकर भयंकर काटा है दीदी, इतना छोटा सा है और काटा देखो बाप रे, इतना बड़ा बड़ा देख रहे हैं आप लोग, इतना हार्ड हार्ड काटा इसमें है, इतना बड़ा बड़ा देख रहे हैं आप लोग। अब पेड़ देखो, ये देखो छोटा सा बच्चा है एकदम
और ये बड़े पापा का पेड़ लगा हुआ है नींबू का, इनका देखो काफी बढ़िया हो रहा है। ये देखो छोटा सा ही है लेकिन इसमें नींबू लगने लगे। तोड़ दे दीदी, रुक जा रुक जा, हम तोड़ दें का ऐसे उखाड़ दें, ऐसे उखाड़ दे ना। हाँ उखाड़ सूखने लगा था ये एकदम, इसके पत्ते भी सूख गए हैं एकदम। चलो चलो वो देखो अरे गिरा गिना सलोनी, अरे सॉरी आकृति, तब पता चलेगा। अरे बाप रे, ये लोग को देखो, ये लोग को साड़ी पहनने का शौक चढ़ गया है। दोस्तों करना बहुत टेस्टी है। दोस्तों हम दो पागल के साथ गए थे रिश्तेदारी में दोस्तों दीदी लोगों के साथ गए थे रिश्तेदारी में और अभी जा रहे हैं घर पर, तो सोच रहा है कुछ लेके चलेंगे अरुषि सलोनी आकृति के लिए। और कुछ दिन पहले हम समोसा ले गए थे ना, तो 12 रुपए के एक समोसा था ना, वैसे हमारे यहाँ 5-6 रुपए में भी समोसा मिलता है, लेकिन वहाँ जो समोसा लिए थे ना 12 रुपए का था, तो सोच रहे हैं कि वही समोसा सलोनी और अरुषि को भी खिलाते हैं। और आगे दूर पर दुकान है, वहीं पर चलते हैं समोसा लेते हैं, उसके बाद निकल लेंगे घर। चले तब दोस्तों हम लोग दुकान आ चुके हैं, समोसा बहुत महंगा है 12 रुपया, यहाँ यही मिलता है दोस्तों 12 रुपये वाला समोसा, 8 रुपया और 109 रुपया लगेगा, 12×98=109, 108 है तो अरे 108 लगेगा 12 रुपये समोसा। सलोनी खाई नहीं होगी कभी 12 रुपये समोसा ना, कम नहीं करेंगे वो, नहीं करेंगे रे दीदी। 8 रुपया है, चलो ले लेते हैं समोसा यहीं से, लाइए दीजिए भैया जी समोसा। हे भैया जी, हे भैया जी, आपका समोसा ब्लॉग में डाल दिए थे ना, सुनिए ना, अरे सुनिए पहले बात सुनिए, आपका समोसा ब्लॉग में डाल दिए थे, बोल रहे थे सब बहुत महंगा है। अरे सुनिए जी, हे भैया जी, देखे देख रहे दोस्तों भाव खा रहे हैं, बहुत बहुत भाव खा रहे हैं, 12 रुपये समोसा बेच रहे हैं ना, इसलिए भैया जी का समोसा ही खत्म हो गया, 10 मिनट से इंतजार करवा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग समोसा ले लिए हैं, अब चलते हैं घर, 12 रुपये समोसा, 120 दिए, देखो 12 रुपये वापस मिला है, चलें। ये देखिए रोड कितना खराब है, और इसको देखो एकदम टंकी पे बैठा हुआ है, और इधर रोड भी बन रहा है। अरे पूरा चिपके ना दीदी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, खड़खड़ खड़खड़ लड़ेगा। अरे उतर जाओ, नहीं नहीं बैठे रहो बैठे रहो, अब क्या होगा, नहीं यार क्या होगा, क्या होगा, अरे बाप उतर जाए दे, उतर जाए उतर जाए उतर जाए उतर जाए। हम लोग तो घर आ चुके हैं, और छोटा भाई जा रहा बगीचे में खड़ा करने बाइक, और ये देखिए दोस्तों हमारा मिट्टी भी गिरना आज शुरू हो चुका है। बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे हमारा मिट्टी कब गिरेगा, हमारा मिट्टी कब गिरेगा, पूरा बाहर एकदम खराब दिख रहा था, ऊट पटाए एकदम, कहीं कूड़ा करकट वगैरह वगैरह सब दिख रहा था, तो फाइनली आज मिट्टी गिरना शुरू हो चुका है। ओ भाई एक ट्राली और आ गया, अरे अरे रुक जा भाई रुक जा, अरे 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 पूरा धूर है, धूर वाला इस बार आ गया चलो भैया अब तो इधर उधर सब बराबर कर देंगे, पूरा बाहर हम लोग का बढ़िया दिखने लगेगा। ए दादा
बस अभी पांच छह ट्राली गिरा है, पीछे गिरा, पीछे भी गिरा, पीछे भी है। बोल रहे पिताजी तीन ट्राली गिरा है पीछे। हाँ भाई ये काम बढ़िया हो गया, अब हम लोग का किचन वाला ये काम क्लियर हो सकता है, क्योंकि मिट्टी की जरूरत थी, उसके बाद दीवार जुड़ेगा। अब मिट्टी भी आ गए, मिट्टी हम लोग इसमें डाल देंगे, दीवार भी जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग का समझ लो कि अब ये महीना में तो बहुत मुश्किल है कि सात ही दिन बचा ये महीना में, तो ये महीना में मुश्किल है कि पूरा किचन तैयार हो पाएगा, लेकिन हम लोग मिट्टी पाड़ देंगे। तो अगले महीने में तो पूरा मई जून में तो पूरा क्लियर हो जाएगा किचन वगैरह का सारा काम, और देखते हैं घर में क्या कुछ और होता है। तो दोस्तों अब हम लोग समोसा खाने चल रहे हैं, जो ये वाला समोसा लाए हैं, जो कि भैया 12 रुपये का एक समोसा है। बहुत गर्म है बहुत, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है, क्या ही बोला जाए। 10 रुपये लायक ये देखो है। चलो कोई ना, क्या हुआ उसको आकृति, क्या हुआ? चटनी के साथ बहुत मजा आता है दोस्तों समोसा खाने में, बहुत बहुत ज्यादा। काहे वो रो रही है, काहे रो रही है? कैसा लग रहा है दीदी? देखो अभी तक रो रही थी और तुरंत हंसने लगी। बोल रही है एक ट्राली और आ रहा मिट्टी गिराने, समोसा प्लस मीठी चटनी। तो मेरा तो समोसा खत्म हो गया दोस्तों, ये लास्ट घूट है। मजा आ गया, हट जाओ बच्चा, लो हट जाओ। दोस्तों हमारा मिट्टी तो गिर गया है, और ये देखिए ट्रैक्टर भी आ गया मिट्टी बराबर करने वाला। अब हम लोग का बाहर वाला हिस्सा पूरा एकदम क्लीन हो जाएगा, अब मजा आएगा ना दोस्तों। भाई सब भी हटाना पड़ेगा, रुको ये अंदर कर देते हैं। अरे भाई साहब अब मिट्टी ला रहे हैं वहां से, अब बड़ा अब बराबर होगा एकदम। अरे बाप रे, तो डर लग रहा हम लोग को। अरे भाई साहब, अरे बाप रे। इस साइकिल देखो यहीं पर है, इसको इसको अंदर कर देते हैं। अब तो बराबर होगा ना, इतने दिन से हम लोग परेशान थे कि कब हम लोग के घर के बाहर वाला हिस्सा अच्छा दिखेगा, बराबर होगा, समतल होगा, लेकिन अब जाके फाइनली दोस्तों हम लोग के घर के सामने एकदम बराबर होना शुरू हो गया है। पहले हम लोग खेत बराबर करवाते थे ट्रैक्टर से, ऐसा दिन आ गया है कि घर का बहारा बराबर करवा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग का इतना ही समतल होगा बोल रहे हैं, क्योंकि दिक्कत हो रहा है इनको, कह रहे आगे पीछे करने में दिक्कत हो रहा है, तो बोले कि इतना ही हो पाएगा, चारों तरफ घूम नहीं पा रहे हैं। कुछ और होता घर के अलावा तो घूम जाते हैं, अभी कहीं पर लड़बड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि इतना ही हो पाएगा। इधर मिट्टी कर दी हम लोग, उधर फेंक देंगे। पहले से तो काफी बढ़िया हो गया, ऊट पटांग अजीब नहीं दिख रहा है ना, अब जो कुछ भी थोड़ा बहुत बराबर करना है हम लोग कर लेंगे। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और खाना पीना भी हम कर चुके हैं, और आज हमारे घर के बाहर काफी हद तक मिट्टी गिर गया है, जो कि काफी बढ़िया दिखने लगा है, और ट्रैक्टर से बराबर होने के बाद देखो कितना अच्छा दिखने लगा। पहले कितना खराब दिखता था, उबड़ खाबड़ ऊट पटांग एकदम अजीब दिखता था, और ये तो पूरा एकदम ढक उठा था, जो हम लोग का बरहा है नाली है,
तो इसको भी खोद कर पूरा एकदम मिट्टी निकाल दिया गया है ताकि इसमें हम लोग का ये वाला पाइप सेट हो जाए, जो ये वाला पाइप आया था। और इधर देखो पाइप पहले से ही डाल दिया गया था क्योंकि उधर साइड ही केवल मिट्टी हटाना पड़ा। अगर इधर साइड पाइप नहीं डाला गया होता तो इधर का भी पूरा मिट्टी हटाना पड़ता, तो डबल मेहनत हो जाता ना। और सब लोग सो रहे हैं, पिताजी और सलोनी यहाँ पर मोबाइल चला रहे हैं, अम्मा को देखो सीरियल देखने में लगी है, वो देखो कुर्सी पर बैठ के काम सीरियल देखते है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं और आज का ये ब्लॉग मेरा छोटा भाई ही एंड करेगा। दोस्तों आप सभी लोगों को इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा है तो फॉलो करें और शेयर करना मत भूलिए, लाइक बोल दे भाई, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और सब्सक्राइब नहीं बोलेगा तो फॉलो कहा, फॉलो का बटन कहाँ से आ गया अब बोला तो? अरे तो फॉलो का बटन यूट्यूब पर आने लगा, सब्सक्राइब होता भाई, सब्सक्राइब भी करें। चलिए दोस्तों आप सभी को हम दोनों भाई अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय 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 दोस्तों।